और सवाबी में आके कैसे लगा? सवाबी में ये एक माह में दूसरी दफ़ा मैं आया हूँ। सवाबी आकर मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ के मेहमान नवाजी देखकर और यहाँ पे नौजवानों में खेलों की सरगर्मियाँ देखकर बहुत खुशी हुई। और इंशाल्लाह हम इस तरह की सरगर्मियाँ जो कि ब्रावो के प्लेटफॉर्म पे हम इनको हमेशा स्पॉन्सर करते रहेंगे। असल में जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, कराची है, पेशावर है या इस्लामाबाद है, बड़े बड़े शहरों में हर तरह की कंपनियां हर तरह की टीमों को स्पॉन्सर करती हैं। असल इशू तो ये है कि जो हम ग्रास रूट पे देहातों में जो हमारा टैलेंट है, हम उस टैलेंट हंट को उभार कर सामने लेकर आए और एक इंटरनेशनल और कौमी सतह पे उनको रहनमाई करें और उनको सपोर्ट करें। इसलिए हमने ग्रास रूट पे आके पेशावर का सवाबी का रुख किया, क्योंकि जैसे कि मैं इंटरनेशनली बिजनेस करता हूँ, मैं मलेशिया में रहता हूँ और यहाँ के लोगों को हम वहाँ के इन्वेस्टर को हम मलेशिया से यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आप बम धमाके नहीं होते, पाकिस्तान एक पुरामन शहर है। सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा हमारा केपीके था, इसलिए हमने केपीके का रुख किया कि यहाँ के लोगों को प्रमोट करें और इंटरनेशनली सतह पर लोगों को हम मैसेज दें कि यहाँ पर हर तरह से अमन अमान है, किसी किस्म की परेशानी नहीं है, यहाँ आकर आप अच्छी तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छे मुल्क में अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मौके हम आपको देंगे और इंटरनेशनली सतह पर हम पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सर, समाज न्यूज़ के व्यूअर्स को क्या समाज व्यू? लास्ट मंथ भी हम जब आए तो इनकी बहुत अच्छी कवरेज थी और इनको हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। इनको भी जो भी हमारी मैनेजमेंट लेवल पे हो सकेगा समाज के लिए हम हर तरह से हाजिर हैं। थैंक यू सर। वेलकम।